नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। दीन है, लखैया में रहते हैं हम लोग। मुंबई में मजदूरी मेहनत करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग 14 दिन तक इंतजार किए। 14 दिन के बाद वहाँ खाने पीने की कोई तकलीफ होगी, खाना पानी नहीं होगा, तो हम लोग वहाँ किसी तरह हाईवे पे आए। हाईवे पे देखिए कि एक ट्रक आज खड़ा था, उससे बातचीत किए तो ट्रक वाला तैयार हो गया, बोले आप लोग यहाँ भूखे मर रहे, हम आपको आपके गाँव तक छोड़ देंगे, आप हमारे इसमें डीजल वीजल भरा दीजिए, आपको वहाँ छोड़ देंगे। सब लोग ने पैसा जमा किया, डीजल लगवाए और लेके आया। रास्ते में फतेहपुर बॉर्डर पे नहीं आने दे रहे थे, हम लोग ने नदी पार किया, नदी में घुस गए। उसके बाद में आगे ट्रक वाला क्रॉस किया बॉर्डर, हम लोग को लाके सुरक्षित कहा अंगला चेक के पास चाही चाही पर लाके छोड़ा, बोले अब आप लोग जाइए। लेकिन इससे पहले हम लोग अपने गाँव में इतना कर दिए थे कि हम लोग इतने दिन यहाँ भूखे मर रहे हैं, गाँव आ रहे, तो हमारे गांव में सहयोग मिला कि आइए हम आपको एसओ से बात कराएंगे और आपको आइसोलेशन वार्ड क्वारंटाइन में रखा जाएगा, स्कूल में आपकी व्यवस्था है। हम लोग आए निडर होके और हम लोग जाने की तैयारी में थे स्कूल, लेकिन रास्ते में एसओ साहब की गाड़ी मिली, हम लोग से पूछा गया, हम लोग को खाने पीने का व्यवस्था किया गया और यहाँ बंगला चक के स्कूल में लाके हम लोग को रहने सहने का इंतज़ाम किया गया और हम लोग यहाँ आके कल से रह रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई रात में? कोई परेशानी नहीं है, अपने गांव में आ गए, अपने से बेहतर है अपने गांव में रहेंगे, यहाँ गांव के परिवार सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ पूछना चाहेंगे, आपको इस चीज़ को पता नहीं क्या, जो हर जगह एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो आपने बताया कि मुंबई में खाने पीने की चीज़ों को लेकर हमको दिक्कत हो रही थी, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के तहत आप अपना नाम रजिस्टर करा के और दोनों टाइम का आपको खाना आपके रूम पे ही मिलेगा। और वहाँ कोई सुविधा व्यवस्था नहीं होती है, जब निकलने नहीं देते घर से व्यवस्था खाने की, कहा जली हुई खिचड़ी कभी पहुँच रही तो कभी बिना नमक का चावल पहुँच रहा है। ये बताइए यहाँ पे जो खाए हैं आप, कितने लोग आदमी हैं यहाँ पे? 35-34 आदमी लोग हैं। कहाँ का रहने वाले सब लोग? इसमें से 22 इतने लोगों का आपका, जैसे वहाँ पे सब लोग एक ही साथ में काम करते थे, क्या इतने लोग का मिलना कैसे हो गया? सब लोग अलग अलग रहते थे, सब लोग आए जमा हुए, पैदल चल रहे थे, सब लोग पैदल चलते चलते एक दूसरे से संपर्क हुआ, भाई आप कहाँ रहते हो, भाई आप कहाँ रहते हो, सबसे पहचान हो गई। यहाँ 33 आदमी आए, उनका दूरी सबसे व्यवस्था करा रहे खान पान का, इसके पहले भी 14 आदमी रहे व्यवस्था करा दिए हैं।